नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटनेस स्टैंडर्ड वे प्रोटीन आइसोलेट को लेके, जिसके लिए हम पहले भी वीडियो किए हैं। पर वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस पहले चैनल में हुआ क्या पहले है और क्या होने वाला है। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ सीरीज़ में वीडियो किए थे, जिसे ऑर्गेनिक प्रोटीन का सीरीज़ है, आप वो देख सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ है, टॉप 5 वे का है वो देख सकते हैं। और रीसेंट जो वीडियो है जिसका रिस्पांस बहुत सही था वो है अमेज़ॉन से, मैंने अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार लिया था और उसका अनबॉक्सिंग मैंने किया, जस्ट ये दिखाने के लिए कि बहुत कम प्राइस में जो मिल रहा है वो ओल्ड स्टॉक हालांकि है पर वो मिल रहा है और वो मुझे सही चीज़ मिला। आपको हमेशा मैं एडवाइस करूँगा, आप मेरे लिंक से, किसी और के लिंक से, जहाँ से भी लें, आप अपना अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड करें, क्योंकि उसमें रिटर्न करने में बहुत इजी होती है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं या फिर आपको शक है अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार का अमाइनो प्रोफाइल में, क्योंकि उसके बारे में अमाइनो स्पाइकिंग के बहुत सारे दाग लगाए गए थे एक टाइम पे, तो आप मेरे चैनल पे ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, या तो मेरा नाम का देख के 20 kg डाउन अल्टीमेट न्यूट्रिशन करके सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। आगे के दिन में जो वीडियो होने वाले हैं उनमें से है साम्स के ऊपर कुछ वीडियोस, तो दो वीडियो आने वाले हैं जिसके लिए दिल थाम के बैठिए। एक तो ये है कि मैं लैब टेस्ट करवाना चाहता था और उसमें बहुत सारे झोल हैं, तो उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। मैं लैब टेस्ट करवा रहा हूँ पर जो करना था वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में रेगुलेशंस के कुछ इश्यूज़ हैं, उसके बारे में पूरा बात करेंगे। पर उसको लेके ही मैं क्रैक डाउन करने का कोशिश कर रहा हूँ कि असली क्या है, नकली क्या है। याद रखिएगा, मैं साम्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एनाबॉलिक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये चैनल उसके लिए नहीं है, ठीक है। मैं उसको उसका डिमेरिट भी नहीं दिखा रहा हूँ, उसका मेरिट भी नहीं दिखा रहा हूँ। मेरा बस गोल उस सीरीज़ का ये है कि आपको नकली चीज़ ना मिले। आपके अपनी बॉडी में दे रहे हैं तो आपको जानना चाहिए आप क्या दे रहे हैं। उस प्रयोग करने के बाद इतने सारे कमेंट्स आए, अभी भी आ रहे हैं कि वो लोग यहाँ से ले रहे हैं, वहाँ से साम्स ले रहे हैं, साम्स के बारे में चीज़ें बताएं। तो देखिए, एक चीज़ सिंपल है, इस चैनल में ना हम जनरली साम्स या फिर एनाबॉलिक्स को लेकर बात नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो अच्छा है बुरा है, उसका डिबेट नहीं है, इसलिए कि ये जनरली नॉर्मल एवरीडे सप्लीमेंट्स के लिए मेनली टारगेटेड है। पर आप लोग इतना क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं सर्च करके मेरे हिसाब से आपके लिए एक रिकमेंडेशन लाया हूँ। कुछ हल्का सा बातें करेंगे एक वीडियो में और मैं आपको एक तगड़ा सा चैनल का रिकमेंडेशन बताऊंगा जो बहुत लोगों को मालूम नहीं उसके बारे में, बट वो भाई साहब बहुत सही काम कर रहे हैं, उस वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। और ऑफकोर्स गुरुमान जी का जो GM न्यूट्रिशन का वे ब्लेंड प्लस HQ प्लस आया है, उसका शायद आज या कल मुझे रिपोर्ट मिलेगा लैब के हिसाब से। आई एम वेरी सॉरी, आपको वेट करवा रहा हूँ, पर थोड़ा सा वेट कीजिए। उसका प्रोटीन कंटेंट, मॉइस्चर एज वेल एज हैवी मेटल सब करवाया हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसका वीडियो भी आने वाला है। वीडियो में आते हैं कि फिटनेस स्टैंडर्ड वे प्रोटीन आइसोलेट, पहले बता देता हूँ। देखिए, मैं जो रिपोर्ट बनाता हूँ ना वो मेरे लिए बनाता हूँ, एक डब्बा या एक पैकेट लेके बनाता हूँ, और अभी मैं मार्जिन ऑफ एरर घटाने के लिए सील्ड पाउच कंपनी का रिटेल जो है वो भेज देता हूँ लैब को, तो कि मेरा स्टैंडर्ड, अपना टेस्ट करने का स्टैंडर्ड बढ़ जाए। पर मैं ये कभी नहीं बोलता कि देखो मैं टेस्ट किया हूँ इसका मतलब कंपनी ख़राब है, मैं टेस्ट किया हूँ इसलिए कंपनी अच्छा है, ऐसा नहीं है। और ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि एक पाउच टेस्ट करके आप सारा चीज़ समझ नहीं सकते। फिर भी मैं टेस्ट किया हूँ और जैसे मैं बताता हूँ तो आपको बताता हूँ हुआ क्या था। तो मैंने जब बहुत पहले इसका रिव्यू किया था, इसका टेस्ट किया था, ओनली प्रोटीन कंटेंट का दिया था, तो अच्छा सा मार्क आया था, 88 या 90% के पास आया था, जो उनका क्लेम होता है। और उसके बाद कुछ और सोर्सों से लोगों को मालूम पड़ा कि प्रोटीन कंटेंट का टेस्ट में कम वैल्यू आ रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है, ऑफकोर्स मैं उसका रीटेस्ट करवाऊँगा। टाइम लग गया क्योंकि बीच में मैं बहुत दिन वीडियो नहीं बनाया, तो अभी जाके मैंने जब रिपोर्ट बनाया, और मैं सोचा क्योंकि अभी रिपोर्ट जब बना रहा हूँ उसके टाइम से पहले मैं थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूँ हैवी मेटल के ऊपर, कंटेमिनेशन के ऊपर, तो जितने प्रोडक्ट का मैं कर पाऊँ अपने तरफ से, क्योंकि वो जोड़ने से पैसा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, वो मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए इसका मैं करवाया। तो इसका कम्युनिटी पोस्ट मैंने किया था प्रोटीन कंटेंट को हाइड करके, ओनली हैवी मेटल्स में, उसमें लेड और कैडमियम का जो क्वांटिटी है वो लिमिट से ज़्यादा आया था, लोगों का क्यूरियोसिटी तो बनता ही है। और इसी दौरान कंपनी ने मुझे मेल में कॉन्टैक्ट किए और बोले कि, तो वो पूरा कन्वर्सेशन में बताता हूँ आपको, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, आप पूरा सुनिए। उनका अप्रोच सही था, उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा किसी सोर्स से और उन रहे थे कि
देखिए हमारा जो सोर्स है उसका मैं आपको एक प्रोफाइल देता हूँ, वो आप देखिए वहाँ पे हेवी मेटल का लिमिट है। तो मैंने वो देखा और देख के ये कहा उनको कि देखिए यहाँ पे ना टिपिकल वैल्यू लिखा है, आपका सोर्स कंपनी लिखे हैं पर टिपिकल है, ये टेस्टेड नहीं है। तो अगर आप टेस्टेड वैल्यू मुझे देंगे तो वो ज़्यादा हो अच्छा होगा, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कंपनी की तरफ से मुझे कोई रिपोर्ट दे वो दिखाने के लिए, मैं बस बताऊँगा ना वो कंपनी ने दिया है इतना सा, पर मैं दिखाऊँगा उस फिर ज़रूर। तो उन्होंने मुझे एक रिपीट मेल किया और कहा कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, ये टिपिकल वैल्यू है। तो हमने पूरा जैसे आपने रिपोर्ट बनाया वैसा रिपोर्ट बनाने के लिए लैब में भेजा है, पर अभी कोविड के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आप तब तक एक वीडियो में अगर कुछ बताते हैं या फिर कमेंट पोस्ट में आप लोगों को बताइए कि हम बता रहे हैं हमारे तरफ से कि ये टिपिकल वैल्यू वाला शीट भी हमारे पास है। तो बोला हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है, और उन्होंने मुझे परमिट ये किया बोलने के लिए रिटर्न है कि मैं बताऊं कि उनका सोर्स क्या है, क्योंकि उनके पैकेट में कभी सोर्स नहीं देखा मैंने लिखा का। जो सोर्स है जो उन्होंने मुझे भेजा है वो स्क्रीन में अभी डाल दूंगा, देखिए उसका कोई लिंक मैं नहीं दूंगा क्योंकि स्टिल वो बस कंपनी के वेबसाइट में या उनसे ही आपको मिलेगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट ऊपर में डाल रहा हूँ। तो वो है एग्रोप्योर बाई प्रो, ओके। तो ये बहुत पॉपुलर 90% प्लस 92-95% वाले प्रोटीन जो आते हैं ना वो उस हिसाब से आते हैं, तो उस हिसाब से उनका टिपिकल वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, मतलब ऐसा रेंज में हैवी मेटल्स आते हैं। अभी जब कंपनी मुझे सेकेंड रिपोर्ट देगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि उन लोगों ने जब टेस्ट करवाया तो कितना वैल्यू था, ठीक है। पर अभी हम बात करूँगा मेरे पूरे रिपोर्ट का। तो पूरा रिपोर्ट अगर आप देखेंगे जो मैं अभी स्क्रीन में डाल रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा डेविएशन है लास्ट टाइम से। लास्ट टाइम में मेरा आया था 88% के पास जितना मुझे याद है, इस बार आया है 79% के पास, मतलब ऑलमोस्ट अगेन 9% का एक ड्रॉप है। और उस हिसाब से अगर आप ड्रॉप पूरा कैलकुलेशन करेंगे ना, मतलब फैट कितना आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितना आ रहा है, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगा। देखिए फैट घटा नहीं है, फैट ऑलमोस्ट जीरो के पास ही है, क्योंकि उतना हाई क्वालिटी प्रोटीन में ना फैट कम ही होता है, कार्ब बढ़ गया है। इसका ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है क्योंकि क्यों होता है, कार्बोहाइड्रेट का ये लैब्स कोई टेस्ट नहीं करती, कोई टेस्ट नहीं, उनका सिंपल सा मेथोडोलॉजी ये होता है मॉइस्चर, ऐश, प्रोटीन और फैट इनको पकड़ के 100% से निकाल देते हैं तो कार्ब बचता है। तो नॉर्मली अगर आपका प्रोटीन कंटेंट घट जाएगा तो कार्ब कंटेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज कार्ब कंटेंट ओनली कैलकुलेशन के ऊपर होता है, वो कोई टेस्ट नहीं करते, ये नॉन फैक्ट है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई जल्दी से इजी वे में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे ही करते हैं। उस हिसाब से आपको यहाँ कार्ब ज़्यादा दिख रहा है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटीन कंटेंट कम क्यों हो गया। तो देखिए मेरा मार्जिन ऑफ एरर हटाने के लिए मैं ऑफकोर्स सील्ड पाउच भेजा हूँ, जिसलिए एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंस हो कि मैं जब दे रहा हूँ, मैं पाउच में डाल रहा हूँ, तो उसमें मेरा कोई गलती ना हो वगैरह। लैब से मैं दो बार चेक किया हूँ, इसीलिए ये वीडियो बनाने में टाइम लगा, दो बार चेक किया हूँ, फॉलोअप किया हूँ उनके एनालिस्ट के साथ, उन्होंने बोला नहीं एब्सोल्युटली फाइन, हम लोग डाइजेशन डिस्टिलेशन सब सही किए हैं, डबल चेक किए हैं, तो प्रोटीन उतना ही मिला है। तो अभी ये जो रॉ प्रोटीन है, अगर आप देखोगे मैं दूसरा एक कंपनी का भी किया, उसका भी थोड़ा कम हो गया था कुछ दिन बाद, फिर जब कंपनी ने किया थोड़ा बढ़ गया, और अभी इन लोगों का भी थोड़ा कम हो गया है। तो मेरा एक डेरिवेशन है इसका, जिसमें मैं कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि वैसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं 100% श्योर हूँ, उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा। पर अभी के लिए जितना मुझे मालूम है कि मैं जब रीटेस्ट करवाया तो ये रिपोर्ट आया, और ये रिपोर्ट आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो इस हिसाब से मैं वेट कर रहा हूँ कि कंपनी मुझे थोड़ा उनका रिपोर्ट दे और मैं फॉलोअप वीडियो इसका बनाऊं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कंपनी की तरफ से जो है उनका बोलना वो दिखाएं। मोर इंटरेस्टेड हूँ ये देखने के लिए कि हैवी मेटल कंटेंट जो है वो उनके टेस्ट में अगर नहीं चाहती, क्योंकि देखिए प्रोटीन थोड़ा कम आने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है एज सच आपके हेल्थ को, हैवी मेटल ज़्यादा आने से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ये कंज्यूम करना चाहता हूँ ना, तो मेरे लिए ये लेड और कैडमियम का लेवल कम होना चाहिए। तो ये था इसका रिव्यू, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, कंपनी ने बहुत सही तरह से अप्रोच किया है, वो अपने तरफ से देने वाले हैं रिपोर्ट, जब देंगे उसके कुछ दिन के अंदर मैं अपना वीडियो बना दूंगा या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में एटलीस्ट डाल दूंगा कि लोगों को देर ना हो। पर ये था अपडेट इस प्रोडक्ट का, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, चलिए।